तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, एक्सरसाइज है आपकी 12.2 एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर है, और उस पर क्या है, ये तो है उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या पर एक जीवा है, ठीक है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्पेंडेड ऑन एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, यानी कि ये इस पर कितने का 60 डिग्री का कोण बना रही है, जो वृत्त का केंद्र है सेंटर है हम उसे मान लेते हैं ओ, और यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये है जीवा, आपकी कॉर्ड क्या है पी क्यू, पी क्यू से लेकर और वृत्त की त्रिज्या क्या दे रही है आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहां से ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। आगे देखते हैं, तो अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो ध्यान दीजिए, माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, ये वाला पी क्यू आर, या कह सकते हैं पी आर क्यू। ये क्या है, ये जो है आपका ये है माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला यानी पी यानी एस ओ, या हम कह सकते हैं एस पी ओ क्यू जो है, ये है आपका क्या है, ये है ये आपका मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों के जो है हमें एरिया फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन लेते हैं, तो ध्यान दीजिए आपको रेडियस क्या दी हुई है, रेडियस क्या है आपकी, आर की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू आर या ओ पी आर क्यू, तो यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू, ठीक है। ये क्या होगा आपका, आपका फ्रेंड थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हमें पाई की वैल्यू लेंगे तो क्या ले सकते हैं 22.7 भी ले सकते हैं, और क्वेश्चन हमसे बोला गया कि 3.14 भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे देखें सेंटर का एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, तो 60 अपॉन 360 कर देंगे और इंटू पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस क्या दी हुई है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 15 इंटू 15, तो यहां पर मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 200 कर सकते हैं 225 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां से डिवाइड करेंगे 1/6, यानी कि 1/6 इंटू 3.14 इंटू 225 सॉल्व कर देंगे। मैं यहां पर स्टूडेंट कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, आप अपने हाथों से ये प्रैक्टिस करें, इंटू 225, ठीक है, और फिर इसके बाद में डिवाइड बाय 6। तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ गया 117, यानी 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो आंसर जो आया है इसका, हमसे एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू आर क्यू जो हमसे पूछा गया था, यानी ये जो है आपका एरिया ऑफ सेक्टर आपने निकाल दिया ओ पी आर क्यू। अब अगर हमसे देखो, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, माइनर पूछा गया है, हमसे माइनर सेगमेंट पूछा है। अगर मैं ओ पी क्यू आर में से ये जो ट्राइंगल आपका बनना है ओ पी क्यू, इसे अगर मैं माइनस कर दू, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या था आपका ओ पी आर क्यू, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमें एरिया पता चल गया, बट अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ओ पी क्यू। अब ध्यान दीजिए ओ पी क्यू मैं यहां पर निकाल देता हूं, एरिया ऑफ ओ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ध्यान दीजिए ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगी ओ क्यू। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने ऐसे सॉल्व किया था, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, और आई बटन पर आपको उस क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहां से हमें कैसे पता चला कि कौन सा ट्राइंगल है, ठीक है।
एक बात देखिए, जब OP इज इक्वल टू क्या है OQ, यानी कि एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल PQ, यानी एंगल OQP हो जाएगा। तो यानी जब ये 60 है आपकी, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, तो हम इसे मान लेते हैं X और ये भी हो गया X। तो X प्लस X तीनों कोणों का योग क्या होगा 180, तो X प्लस X और इज इक्वल टू क्या हो जाना है आपका प्लस कितनी हो जाएगी 60, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, 2x plus 60 is equal to 180, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, बटे 2 से डिवाइड कर दोगे इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 60, यानी कि ये भी वैल्यू 60, ये भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 60, यानी कि ये कौन से हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गए, कौन से हो गए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो एरिया ऑफ सेक्टर OPQR कितना मिल गया था आपको 117.75 माइनस। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है इसकी 15 है, साइड कितनी है इसकी 15 हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, तो 15 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा 117.75 माइनस अंडर रूट 3/4 इंटू 225। इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट यहां पर रख देंगे। तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रहे तो 1.732 अपॉन 4 इंटू 225, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगी देखिए 1.732 इंटू क्या करते हैं 225, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं इसे 4 से, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 97.425। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 97.425, डेसिमल में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है ध्यान दे रहना। तो 117.75 माइनस 97.425, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो 97.425 हमने कर लिया। तो यहां से हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कर लेते हैं 117 और 0.75 और माइनस कर देता हूं मैं यहां से 97.425। तो ये जो है आपका अप्रोक्स कितना आया, ये आंसर आ जाएगा 20.325। तो ध्यान देना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका अप्रोक्स में आ सकता है, क्योंकि आपने अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू रखी है 1.732 तो डेसिमल में थोड़ा चेंज हो सकता है, अगर आप पाई की वैल्यू जो है 22/7 रखोगे तो थोड़ा चेंज आ सकता है, डेसिमल में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। तो आपका जो एरिया जो आ गया इसका अप्रोक्स कितना आ गया आपसे स्टूडेंट 20.325। या अगर आप देखो, अगर आप ये पाई की वैल्यू रख दोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका 20.43 समथिंग आ जाएगा, 4375 समथिंग, तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है, आप अंडर रूट 3 रखेंगे या पाई रखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमारा एक जो आंसर है वो हमें मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मेजर सेक्टर का फॉर्मूला निकालना। तो मेजर सेक्टर का कैसे करेंगे, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या कर सकते हैं हम यहां पर, अगर मैं इस पूरे सर्किल का एरिया निकालू, ठीक है ना, और उसमें से ये जो है आपका सेक्टर जो है इसे मैं माइनस करूं, तो अब हमें क्या चाहिए, अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट चाहिए। तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, तो फिर हम उसमें से क्या करेंगे PQR का जो है वैल्यू ये माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ PQR, P माइनस कर देते हैं माइनस PQR का, तो एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस ये तो आपने निकाल ही लिया है, ये कितना आ गया आपका 20.23, मैं अपने ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं 0.325, ठीक है। तो यहां से फिर से पाई की वैल्यू 3.14 ही रख रहे हैं हम, रेडियस कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर करोगे तो रेडियस क्या है इसकी 15 है, तो उसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 225 और माइनस 20.325 के लेके चल रहे हैं, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से अगर हम करेंगे तो 3.14 इंटू 225, तो ये वैल्यू कितनी होगी 706.5 और माइनस कर देते हैं इसमें, माइनस कर देंगे किसकी 20.325, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 20.325, अगर आप y की वैल्यू रखेंगे ध्यान रखना आपका आंसर थोड़ा चेंज आ जाएगा
6.175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया जी आपका 686.775 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपने यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है आपके आंसर में, डेसिमल में बहुत हल्का सा आंसर आएगा। और अगर आप पाई की वैल्यू 3.14 रखते हो तो कैलकुलेशन कर लोगे तो लास्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, बाकी आंसर आपका यही आएगा। आपका निकालने का तरीका सही होना चाहिए तो आपके नंबर जो है वो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, एग्जामिनर आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं काटेगा। तो ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ सबसे पहले ये मेंशन करना है कि आपने पाई की वैल्यू यूज क्या करी है, 22/7 करी है या 3.14 यूज करी है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बाय बाय।